आज आपने बहुत देर कर दी जी। हाँ कमला, आज देर हो गई। क्यों? अरे एक बीमार बच्चे को देखने गया था, बड़ी मुश्किल से उसे सुला करा। बच्चों को बहलाकर सुला देना तो आपकी पुरानी आदत है। ये क्या, बच्चे सो गए? आपका इंतजार करते करते अभी सोए हैं। ओ, आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, कमला कल से तुम बच्चों के साथ ही खा लिया करना। क्यों, आज तक आपके बगैर खाया है जो आप खाओगी? देखो कमला, हमने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया, अब तो ये सब सेटल हो जाए तो समझो हमारी जवानी की तपस्या पूरी हो गई। अरे हाँ, वो जज साहब की बीवी आज फिर आई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पहले तो अपनी बेटी की तारीफ करती रही, फिर कहने लगी मनप्रीत भी जज साहब को बहुत पसंद है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करके बताती हूँ। नहीं कमला, पहले हम बेटियों की शादियां करेंगे और तृप्ता से पहले नीना की। कोई लड़का उड़का देखा क्या? हाँ देखा है, और कल उनके घर भी जाऊंगा उनसे बात करने। डॉक्टर साहब, हमें लड़की बेहद पसंद है, लेकिन हमारी पत्नी आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। हाँ हाँ, शौक से कीजिए। आप ये बताइए कि आप सिख होकर अपनी बेटी हिंदू परिवार में क्यों ब्याहना चाहते हैं? अव्वल तो मेरी नजर में सिख और हिंदू में कोई फर्क ही नहीं है, और दूसरे नीना के माँ बाप हिंदू थे। तो क्या नीना आपकी बेटी नहीं? जी नहीं, वो मेरे एक दोस्त मास्टर भगत राम की बेटी है। उस अभागी के माँ बाप पाकिस्तान में ही मारे गए थे। अच्छा, तो बेचारी यतीम है। देखिए बहन जी, हमारी बेटी के बारे में बेचारी, अनाथ और यतीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमने उसे बड़े लाड़ और अरमान से पाला है। वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज। कमाल है डॉक्टर साहब, अपनी बेटी न होते हुए भी आपने उसे बहुत ऊंची तालीम दिलाई। हाँ, क्योंकि वो मेरी धर्म की बेटी है, और धर्म का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। अब तक तो हम यही समझते रहे कि ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम सोच के जवाब देंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बस ये थोड़ा सा नमक और कम कर दो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं सुनिया कल तुसी दुनी चंद के घर गए सी। हाँ ज्ञानी जी, पहले से आप उसने मसले रिश्ते की बात की। जब पता चला के लड़की के माँ बाप नहीं है तो टाल मटोल करने लगा। ओ जी, दुनी चंद होवे भावे मुनी चंद होवे, पैसे दे पुत्र होंदे ने जबान दे कच्चे। अजीब लोग, अजीब। डॉक्टर साहब, मैं दुनी चंद नू जानना है, तुसी फिक्र ना करो, मैं ओदे नाल रिश्ते दी बात कर लांगा। हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। हाँ। वो तीर्थ राम जी आए हैं। तीर्थ राम? वही मास्टर भगत राम के रिश्तेदार। ओ अच्छा, ठीक है, बैठाओ उसको, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि लाला दुनीचंद के बेटे के साथ आप नीना की शादी पक्की करने जा रहे हैं। हाँ, मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन हमारे और उनके परिवारों में रोटी बेटी की साझेदारी नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, अब हमारी बेटी की शादी उस परिवार में नहीं कर सकते। ये बात आपके साधिकार से कर रहा है, नीना आपकी बेटी नहीं है। मेरी नहीं तो आपकी भी तो नहीं है। माना कि आपने उसे पाला है, लेकिन बेटी तो हिंदुओं की है। इसलिए हमारी बेटी की शादी हमारे परिवार में ही होनी चाहिए। याद है, हम मास्टर जी के बच्चों को आपको सौंपने आए थे और आपने मुंह मोड़ लिया था,
इतने बरसों के बाद आज अचानक आपका प्यार और फर्ज कैसे जाग गया? तब की बात तब थी। हम आपको कह देते हैं कि उन दोनों का रिश्ता हमसे पूछे बगैर आप नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा इसकी मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां से तशरीफ ले जाइए और आइंदा इस घर का रुख न करना। मैं अपने बच्चों की शादी वहीं करूंगा जहां मैं मुनासिब समझूंगा। तो ठीक है, हमारी संस्था यहां धरना कर देगी। याद रखिए, हम आपको चेतावनी देकर जा रहे हैं। चलो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। मैं दुनी चंद के घर गया सी, वड्डे दहेज दे नकदी दी डिमांड कर रहे हैं। कहंदे ने के यतीम कुड़ी नू बहु बस जाने के पास। मैं उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। जे पाजी तुसी बुरा ना मानो तो मैं इस सिलसिले च तुहाडी मदद कर देऊं। आप क्या मदद करें? पाजी मेरा पुत्र भी जवान है, ब्याह दे काबिल भी है, ते पापा जी सानू ना दहेज दा लालच है ना जात पात दा कोई वहम। डॉक्टर साहब ट्रक चलांदा है, चंगे पैसे कमा लेंदा है, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी दा प्रोपराइटर है। नहीं जाने जी, नहीं, मैं किसी अनपढ़ से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। अच्छा तो बिचारी यतीम है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम सोच कर जवाब देंगे। माना कि आपने उसे पाला है, लेकिन बेटी तो हिंदुओं की है। तो ठीक है, हमारी संस्था यहाँ धरना कर देगी। याद रखिए, हम आपको चेतावनी देकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ट्रक चलांदा है, चंगे पैसे कमा लेंदा है, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रोपराइटर है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, यतीम है लेकिन बेटी तो हिंदू। हमारी संस्था यहाँ धरना कर देगी। हम आपको चेतावनी चंगे पैसे कमा लेंदा है, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रोपराइटर है। जी मेरा पुत्र भी जवान, हमारी संस्था यहाँ धरना कर देगी। चेतावनी देकर जा रहे हैं। नहीं, क्या हुआ जी? मेरी नीना लूट कमाल नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ कमला, सबकी नजरें उस पर लगी हुई है। वो गिद्धों की तरह चारों तरफ मर रहे हैं। मेरी नीना को हत्या न चाहते हैं। शांत हो जाइए जी। इन्हें क्या मालूम कि ये बच्चे हमारे लिए क्या है? क्या मालूम कि हम कैसे इन्हें उस खूनी तूफान से बचा कर लाए। उम्र कितनी? 25 साल जी। तकलीफ? बुखार आता है जी। कब कब होता है? हर 2 दिन में हो जाता है। लेट जा, मुआयना करता हूं जी। सांस ले लंबी लंबी।
करुणा। सखावत सखावत। घबराओ नहीं, वो तीनों महफूज है, वो नादरा के साथ मेरी हवेली में है। लेकिन ये सब गुंडों ने लूट मार और कत्लो गारत शुरू कर दी है। सुना है कि मास्टर भगत राम के मोहल्ले के आसपास उन्होंने तबाही मचा रखी है। हमारे यार के? हाँ, आओ चले, सबसे पहले उन्हें बचाए। चलो रुको, ऐसा करो तुम ये पगड़ी उतार दो और ये चादर सर पर लपेट लो। ये लोग मेरी और नादरा की लाश से गुजर कर ही आप लोगों को हाथ लगा सकेंगे। चौधरी सलामत। क्या होगा नादरा बहन? जो भी खुदावंद रसूल को मंजूर होगा। हम सब की जानें बचाने के लिए तो तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया सखावत। ऐसा क्यों सोचते हो गुरनाम? मैं मजहब का नहीं इंसानियत का कायल हूं, और अगर मेरा ईमान सादक है बहन तो मुझ पर भरोसा रखो, आप लोगों का बाल भी बांका नहीं होगा। नादरा, तुम इन लोगों को लेकर तहखाने में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूं। नहीं नहीं सखावत, नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। हम मरेंगे तो साथ मरेंगे सखावत। तुम नादरा के साथ जाओ गुरनाम, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ नादरा, इन्हें लेकर जाओ। चलिए भाईजान। जाओ। यही बदल दिया, अब तुम बिल्कुल सूफी पीर दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये तुम्हें सूझी कैसे? क्या तुमने अपनी सिख तवारीख में नहीं पढ़ा कि जब गुरु गोविंद सिंह को मुगल फौजों ने घेर लिया था, तब कुछ पठानों ने उन्हें ऐसे ही उच्च का पीर बनाकर बाहर निकाला था। हाँ, मैंने पढ़ा था। बादल में वक्त बर्बाद मत करिए, इन्हें जल्दी से लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाइए। ठीक है, आओ भाभी, चलो बच्चों, चलो। अच्छा भाभी, खुद हाफिज। मौत के मुंह से निकाला है सखावत, अब हमारी ये जिंदगी तुम्हारी देन है। नहीं मेरे दोस्त, फर्ज को एहसान का नाम न दो। मुझे तो
इस बात का अफसोस है कि मैं भगत राम और रानी को नहीं बचा सका। वो बेचारे तो बिना ही मौत मार गए। वहां मास्टर भगत राम का कोई ना कोई रिश्तेदार तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इन बच्चों को उन तक पहुंचा देना। जाओ बच्चों। जरूर कर दूंगा। और अगर कोई ना मिला तो फिर इन्हें अपने परिवार में शामिल कर लेना। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं इन्हें अपने अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करूंगा। चल बेटा। मेरे हथियारबंद आदमी तुम्हें हिफाजत के साथ सरहद के उस पार तक ले जाएंगे। जाओ गुलाम। खुदा हाफिज। तीर्थराम जी का कार्य है ये? जी हाँ, कहिए। मुझे उनसे मिलना था। जी अच्छा। सुनिए जी, अजी मैंने कहा कहाँ हो? क्या है? आपसे कोई मिलने आए हैं। तीर्थराम जी आप? जी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम गुरनाम है, मैं ननकाना साहब से आया। ननकाना साहब से? वहां तो मेरा भाई भी रहता है, भगत राम। आप जानते हो उसे? जी हाँ, भगत राम मेरा दोस्त था। था?
जी वो दंगइयों ने उसको और उसकी बीवी को जान से मारा। अरे भगत रामा, अरे तू भी हमें छोड़ के चला गया। अरे मेरा भाई भगत रामा, ये क्या हो गया? अरे इस दुनिया में नहीं रहा भगत रामा। भगत राम मेरे जेठ जी लगते थे और मेरे जीजा जी भी और रानी मेरे सगे चाचा की बेटी थी। हाय राम, ये क्या हो गया? भगत रामा मेरे मौसी का बेटा था, कितने भले आदमी थे वो, आपस में बहुत प्यार था हमारा। जी वो दोनों भी आपका अक्सर जिक्र किया करते थे। भगत रामा, अरे भगत रामा तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अब तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। ऐसा न कहिए, उनके बेटा और बेटी को हम बचा कर ले आए। अरे ये आपने बड़ा उपकार किया, चलो उस खानदान का कोई तो नाम लेवा बच्चा। वो दोनों बच्चे हमारे पास हैं, अब जब चाहे उन्हें आकर ले जा सकते हैं। हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप ना आ सको तो हम उन्हें यहाँ पहुंचा देंगे। हेलो बताओ, हम तो यहाँ खुद ही परेशान हैं, अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे की जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? हाँ लो, हमें तो अपने ही बच्चों ने तंग कर रखा है। हाँ। और फिर दूसरों के बच्चों को पालना, ना जी ना। फिर हम उनका क्या करें? वो तो आपको लाने से पहले ही सोचना चाहिए था। मेरी मानिए सरदार जी, तो उन्हें किसी यतीम खाने में भर्ती करा दीजिए। क्या? यही रिश्ता, यही प्यार था उनके माँ बाप के साथ आपका? जाइए जाइए, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? चलो चलो अंदर चलो, भूख लगी है, खाना बना दो, बच्चे भी आते ही होंगे। अरे आए प्यार जताने वाले। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोक सुवान, अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरह अथाह, जाके अंतर बसै प्रभाव, नानक के जन सह समात। सुन अंधा कह, क्या हुआ जी, किस सोच में डूबे हो? तीरथ राम के रवैये से परेशान, खून कितना सफेद हो गया गंभीर। किसी ने झूठ नहीं कहा है, ये रिश्तेदारियां भी कच्ची दीवारें होती हैं, जरा सी ठेस लगी नहीं कि ढह जाती हैं। लेकिन बच्चों का क्या होगा? मैं जो सखावत से वादा किया उस वादे का। तुसी चिंता न करो जी, अगर जानवर के बच्चे होते तो भी उन्हें एक बार दहलीज के अंदर लाकर बाहर नहीं निकाल सकती थी, ये तो फिर इंसान के हैं। मैं वादा करती हूँ मरते दम तक इन्हें अपने सीने से लगा कर रखूंगी। अपने उस वाहेगुरु पर भरोसा रखिए जी, जिस सर्जनहार ने हमें आज तक संकट के पार उतारा है, वो आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। समय के पास हर समस्या का हल है। सस्त्रीकाल मामा, सस्त्रीकाल दारजी। सस्त्रीकाल मेरी बढ़िया, सस्त्रीकाल। क्या बात है, आज जल्दी उठ गए आप दोनों? जवाब दो अपनी लाडो को। बेटी तू आजकल मुझे सोने कहाँ देती है? मैंने क्या किया दारजी? सुना नहीं तूने, बेटी हुई जवान तो बाप हुआ परेशान। देखो ना मामा, दारजी कैसी कैसी बातें करते हैं, और जो बच्चे प्यार की आबो हवा में पले हों उन्हें जवान तो होना ही है, और फिर तृप्ता जवान है, मनप्रीत जवान है, और अनिल भी जवान है। लेकिन तेरी बात बिल्कुल अलग है बेटी, तू दारजी की सबसे लाडली बेटी है ना। और फिर तू तो मेरी नीना है,
तेरे ब्याह का सोचकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। देखो ना मामा, फिर से वही बातें करना शुरू कर दी। दादी जल्दी चाय पियो, आपको क्लिनिक भी जाना है। हाँ, और सब कहा है बेटे, बुलाओ उन्हें। नीना तो नाश्ता बना रही है और तृप्ता मनप्रीत को आंखें दिखा रही है। क्यों? वो मनप्रीत ने तृप्ता को तप्पो गा दिया ना, वो लगी दाल पीली उन्हें। अरे अगर वो चिढ़ती है तो उसे तप्पो मत बुलाया करो। आपने उसका नाम ही ऐसा रखा ना। बेटा तृप्ता तो गुरु नानक देव जी की माँ का नाम था। लो नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने वाले तैयार नहीं। भाई हम तो तैयार है, बस वही लाल मिर्ची अंदर सीसी कर रही है। तृप्ता तृप्ता, वैसे नहीं मानेगी मम्मी। तप्पो, ओ तप्पो। अनु मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे तप्पो मत कहा करो। तो और क्या कहूँ, तप्पो को तो तप्पो ही कहना पड़ेगा ना। देखो ना माँ, ये अनु मेरे फ्रेंड के सामने भी मुझे बार बार तप्पो तप्पो कहता है ना। अनु बेटे अब ये बड़ी हो गई है, इसे तप्पो नहीं तृप्ता कहा करो। ठीक है, आप भी इसे कह दीजिए मुझे अनु नहीं अनिल कहा करे। ठीक, इज्जत करवानी है पहले इज्जत करना सीखो। That's all right, तप्पो, तृप्ता। अनिल जी, तुम्हें एडवोकेट सेट्टी के साथ जूनियर की हैसियत में काम करना है, मैंने बात कर ली। थैंक यू दार जी। मनप्रीत याद है तुम्हें भी कल इंटरव्यू के लिए जाना है? जी दार जी। दार जी ये बताइए कि मैं और तृप्ता सारा दिन क्या किया करें? अरे भाई तुम लोग कमला का दिल बहलाओ, दूसरे कामों में इसका इसकी मदद करो। दार जी क्या ये नहीं हो सकता कि तृप्ता मामा के हाथ में काम बटा करे और मैं आपके? भाई मेरी तो बड़ी तमन्ना थी कि तुम दोनों में से एक मेडिकल में जाता, लेकिन ये तुम्हारी माँ नहीं माने। क्यों माँ? क्योंकि डॉक्टर का सारा जीवन उसके मरीजों के लिए होता है, उसकी बातों में ये ब्लड प्रेशर ऑपरेशन इंजेक्शन इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि प्यार नाम के शब्द की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे चाय नहीं है, लस्सी। क्यों? अरे आज मेरे यार का खत आया है। सखावत भाई साहब का? क्या लिखा है? लिखा है कि वो अजमेर शरीफ की ज्यारत पर हिंदुस्तान आ रहा है, हमसे भी मिलेगा। अच्छा, नादरा भाभी भी साथ आ रही है? नहीं वो कल आ रहा है। अच्छा क्या लिखा है चिट्ठी में? लिखा है कि हमारे दवाखाने में बकरे कटते हैं और गोश्त बिकता है। मैं समझी नहीं। अरे वाह, हमारे दवाखाने में किसी कसाई ने दुकान खोल ली है। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में है। डॉक्टर साहब हाँ, कुछ मरीज इंतजार कर रहे हैं। मरीजों की इतनी चिंता है, कभी इस मुरीद का भी तो ख्याल कीजिए डॉक्टर साहब। आखिर मुझसे क्या गुस्ताखी हुई है कि आप इस कदर? आपका जवाब मुझे ज्ञानी अमरीक सिंह जी से मिल गया था। ज्ञानी जी, अरे उन्होंने जरूर आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, आपके जरूर कान भरे होंगे डॉक्टर साहब। जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। आखिर क्या सोचा है? किस बारे में? यही कि आप मेरी खाली झोली कब भरेंगे डॉक्टर साहब। काम की बात कीजिए लाला जी। डॉक्टर साहब आपके आने के बाद कितने ही लड़की वालों ने मेरे घर के चक्कर लगा लगा के मुझे परेशान कर दिया, मेरी जिंदगी हराम कर दी। डॉक्टर साहब कोई 4 लाख दे रहा है, कोई 6 लाख दे रहा है, और मेरी बीवी अरे डॉक्टर साहब वो तो लालच में आ ही गई थी ना, लेकिन मैंने फैसला किया कि संबंध जोड़ेंगे तो आपके साथ, सिर्फ आपके साथ। आप क्या देंगे? थक्के चले जाइए यहां से, और खबरदार जो आइंदा अपनी मनुष्य सूरत दिखाई दो। यानी कि आप मुझे आंखें दिखला रहे हैं? गेट आउट। ठीक क्या जमाना आ गया है, यानी कि बेटी वाले बेटे वालों को थक्के दे रहे हैं, उनको गेट आउट कह रहे हैं। चले जाइए यहां से। गुरनाम, मरीजों का ब्लड प्रेशर ठीक करते करते तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? परेशानी की क्या बात है? परेशानी यह है सखावत के आदमी गिरगिट हो गया है, गिरगिट। इंसानियत इखलाक और तहजीब का तो जनाजा निकल गया है सखावत। सखावत चाचा,
सखावत भाई साहब, सत श्री अकाल। आदाब भाभी जान। नादरा भाभी कैसी हैं? बस अल्लाह के फजल से सब खैरियत है। और ये सखावत, ये नीना और तृप्ता। ओए पुत्र आ जाओ। जी दे रो पुत्र। चलो कमला, सखावत की कुछ खातिरदारी करो। बरसों बाद आया मेरा यार। चलो आ जाओ। गुरनाम, तुम दोनों मामूली इंसान नहीं हो। सच, जो काम तुम दोनों ने कर दिखाया है उसे तो आजकल फरिश्ते भी नहीं कर सकते। अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया और नीना अनिल को अपने पास रखकर तालीम दी, आफरीन है तुम दोनों पर। लेकिन अब तुम ही बताओ, करें क्या? तुमने क्या सोचा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीना को यतीम कहकर या धर्म की बेटी बनाकर मैं उसे छोटा नहीं करना चाहता, और फिर उन तंगदिल लोगों को मुंह लगाकर भी तो उसके सुख की कोई गारंटी नहीं। मेरी बात मानोगे? कैसी बात करते हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम तो मेरे मेहरबान हो। तो फिर घर की दौलत को घर में ही रहने दो। मैं कुछ समझा नहीं। नीना की शादी अपने मनप्रीत से कर दो। लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे? धर्म के ठेकेदार क्या कहेंगे? भाभी, उनके रिश्तेदार भी हम हैं और माँ बाप भी, और फिर हम किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। लेकिन कैसे? अगर हम अपनी हिंदू बेटी की शादी सिख बेटे के साथ करेंगे तो सिख बेटी की शादी हिंदू बेटे के साथ करके हिसाब बराबर कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कमला? मेरे ख्याल में सखावत भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका कन्यादान कौन करेगा? नीना का कन्यादान मैं करूंगा भाभी, और तृप्ता का गुरनाम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारख्यो वरिष्ठनेमि, रहस्पत्र ददातु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् पर। जिंदे रहो, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मन सजी भया हरि पाया। दाजी। अरे जी तो दाजी। आओ बच्चा आओ, आज तो रंग आ गई भाई। ये लीजिए अपना पोता। आपको नाती भी हुआ है? नाती? जी। च अक्षर से जो नाम चाहे आप रख सकते हैं। चा से कौन सा नाम अच्छा रहेगा? चन्नी रखे। चन्नी अच्छा है, बहुत अच्छा है। चन्नी रखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले। तत्ता अक्षर आया जी, तत्ती अक्षर तो कुसी कोई भी नाम रख सकते हो। तसे क्या नाम रखे? तसे क्यों ना तेजी रख लिया जाए। अच्छा, हाँ, अच्छा तेजी अच्छा है। अरे तू तो मेरा तेजी है। लो, ये तो चुप हो गए। अरे आपने क्या जादू कर दिया मामा इन दोनों पर? वही जादू जो इसने कभी तुम दोनों पर भी किया था। हाँ नहीं नहीं, बच्चे तो माँ के पास ही छिड़कते हैं। तुम इनकी माँ थोड़ी हो। माँ कैसे नहीं हूँ, मैं इसके बाप की माँ हूँ।
और इसके माँ की माँ हूँ। ये तुम्हारे बैकुंठ में हो सकता है, एक औरत दो बच्चों की दादी भी हो सकती है और नानी भी है। क्या हो रहा है? खेल रहे हैं वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये छीना झपटी अच्छी नहीं लगती। कमला, अगर अभी से दूसरे को कमजोर समझकर माल हथियाने की आदत पड़ गई तो बड़े होकर ये भटक भी सकते हैं। अच्छी आप कैसी बातें कर रहे हैं?